नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो थ्योरी का पेपर होना है आपका, उस पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो सैंपल पेपर हमने दूसरा बनाया है, उस दूसरे सैंपल पेपर को भी आप देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न लिमिटेड होते हैं और ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि संभावित प्रश्न हो सकते हैं, यानी कि अगर ये प्रश्न एज इट इज अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसको मात्र आप संयोग समझिएगा, ठीक है। तो हम दूसरा सैंपल पेपर है उसको देख लेते हैं। तो खंड क है, बहुविकल्पीय प्रश्न वाला। इसमें जो पहला प्रश्न है, बनी ठनी किस शैली का चित्र है, ठीक है। तो बनी ठनी किस शैली का चित्र है, तो आपको मालूम है कि बनी ठनी जो है राजस्थानी शैली का चित्र है। कई बार यहाँ पर हो सकता है कि बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि जो चार विकल्प होंगे वो राजस्थानी शैली से ही संबंधित हो सकते हैं, या कई बार दक्षिण मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बनी ठनी किशनगढ़ शैली का चित्र है, जो कि राजस्थानी शैली की उपशैली है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है। तो अगर आप राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि चक्र जो है हमारा नीले रंग का है। यहाँ पर नीला रंग हो सकता है लिखा हुआ, या गहरा नीला रंग भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से विकल्प में सही उत्तर छांटना होगा, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा, मुगल शैली का स्वर्णकाल था। मुगल शैली का स्वर्णकाल कौन सा था, सबको पता है, जहांगीर का जो समय था वो मुगल शैली का स्वर्णकाल था। तो अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है खंड ख वाला, तो अब देखिए यहाँ पे खंड ख निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिसका आपको बहुत ही कम शब्दों में उत्तर लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, हु डिजाइन द इंडियन फ्लैग। तो आपको यहाँ पर सीधा उसका उत्तर लिखना होगा, पिंगली वेंकैया। तो जिसने भी बनाया है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न, कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर कांगड़ा शैली से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा संसार चंद। यहाँ पर कांगड़ा शैली के अलावा किसी भी शैली का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोटा शैली लिख देंगे तो महाराजा उम्मेद सिंह हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई भी दूसरी शैली लिख देंगे तो आपको उसका संरक्षक राजा कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको उस संरक्षक राजा का नाम लिखना होगा। चौथा प्रश्न है, गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर उस चित्रकार का नाम लिखना है, जैसे कि गढ़वाल शैली का चित्रकार था मोलाराम तोमर, तो आपको यहाँ पे मोलाराम तोमर का नाम लिखना होगा। अब देखिए खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपको तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक 3 अंक का, यानी कि 9 नंबर आपको खंड ग से मिलने वाले हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, अपभ्रंश शैली के चित्रों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आपको जितने भी मेन फीचर्स हैं कि भाई जो है मुड़े हुए हाथ हैं, लंबी नाक है, और आंखें जो है परले गाल से निकली हुई हैं, लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ अपभ्रंश शैली में, तो जितनी भी अपभ्रंश शैली की विशेषताएं हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तब आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो छठा प्रश्न देखिए, दिल्ली शिल्प चक्र पर टिप्पणी लिखिए। अब दिल्ली शिल्प चक्र एक कला ग्रुप था, आर्ट ग्रुप था, और प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखने होंगे आपको। तो प्रमुख चित्रकार कौन रहे हैं दिल्ली शिल्प चक्र के, उन चित्रकारों के नाम लिखने हैं। दिल्ली शिल्प चक्र का निर्माण कब हुआ, किस सन में हुआ, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, ये आप पूरा टिप्पणी लिख देते हैं इसमें आधे पेज की, तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर प्राप्त हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कंपनी शैली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अब कंपनी शैली की मुख्य विशेषताएं हैं, जितने भी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये इसमें फिरका चित्र बने, जो 6 छोटे चित्रों के सेट हैं उनके बारे में वो लिख देना है। आपको मुख्य चित्रकारों के नाम लिख देना है, विशेषताएं कैसी हैं, कितने बाई कितने के चित्र बनते थे, और कंपनी शैली में वाटर कलर का इस्तेमाल हुआ, यूरोपीय शैली से चित्र बनाए जाते थे। जितने भी आपको विशेषताएं याद हैं कंपनी शैली की उन सबको लिख दीजिए, कुछ चित्रकारों के नाम आप लिख दीजिए, तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है, जहां से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 5 अंक का है, यानी कि 15 नंबर आपको यहां से प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर है, आठवां प्रश्न है, गढ़वाल शैली पर टिप्पणी लिखे, तब प्रमुख चित्रकार का नाम लिखिए। अब गढ़वाल शैली पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे, गढ़वाल शैली है वो प्रकाश में कब आई, ठीक है, प्रकाश में लाने वाले कौन थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। गढ़वाल शैली में जो चित्रकार थे श्यामदास और हरदास,
वो सुलेमान सिकोर के साथ में गढ़वाल के राजा की शरण में आए थे, और जब सुलेमान सिकोर गढ़वाल से चले जाता है, लेकिन शामदास और हरदास गढ़वाल में रहते हैं और इन्होंने ही गढ़वाल शैली का विकास किया, और इन्हीं के वंश में मौला राम तोमर है, तो प्रमुख चित्रकार का नाम मौला राम तोमर आ जाता है। तो आपको पूरी की पूरी एक जो है एक किस्म से निबंध जैसा लिखना होगा गढ़वाल शैली के ऊपर, जिसमें फैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। नवा प्रश्न है, राजस्थानी शैली के चित्रों के विषय वस्तु लिख दीजिए। तो विषय वस्तु क्या है यहाँ पर, धार्मिक चित्र बने हुए हैं, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, है ना, और बारहमासा चित्र बने हुए हैं, राग रागनी से संबंधित चित्र बने हुए हैं, और जितने भी आपको मालूम है चित्र, उन सारे चित्रों की विषय वस्तु लिख दीजिए, और संबंधित जितनी पेंटिंग्स आपको याद है उन पेंटिंग्स को लिख दीजिए, चित्रकारों के नाम याद है उनको भी लिख दीजिए, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर प्राप्त हो जाए। 10वां प्रश्न है, श्रम की विजय मूर्ति शिल्प के कलात्मक सौंदर्य के बारे में लिखिए। तो आपको श्रम की विजय जो मूर्ति शिल्प आपके सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में लिखना होगा। तो जब भी आप इस तरीके से किसी भी पेंटिंग के बारे में या मूर्ति के बारे में उत्तर लिखें, तो आपको सबसे पहले तो उसकी जो निर्माता है उनका नाम लिखना होगा। जैसे श्रम की विजय है डीपी राय चौधरी का है, ये मूर्ति शिल्प किस धातु से बना है, किस पदार्थ से बना है, वो लिखना होगा, और इसके कलात्मक सौंदर्य के बारे में लिखना होगा कि इसमें जो मूर्ति बनाई गई है वो किस प्रकार की है, उसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। थोड़े से लोकेशन भी लिख देंगे आप ये कहाँ स्थित है, तो आपको नंबर जो है पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपको जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का सैद्धांतिक पेपर होगा उसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार आगामी जो आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग का बोर्ड में पेपर होगा इंटरमीडिएट में, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, जिस तरीके का पैटर्न मैंने आपको सैम्पल पेपर में दिखाया उसी तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का अंक आपको कैसा लगा, इसका कमेंट आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसका सैम्पल जो पेपर है वो 3 हम शीघ्र लेके आएंगे। तो इस वीडियो को आप इंटरमीडिएट के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे भी अवेयर हो जाएं कि किस प्रकार पेपर आता है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं सैंपल पेपर 3 के। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं जल्दी सैंपल पेपर 3 के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।